किसी ने क्या खूब कहा है कि क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि शूद्र जाति या निम्न कोटि का होना अछूत नहीं होता है। अछूत क्या होता है, इस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से बुद्ध जी ने हमें बताया है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अछूत किसे कहते हैं। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य लोग उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुदेव आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, गुरुदेव उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुदेव यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हां वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। दोस्तों, बुद्ध जी ने हमें क्रोध में अछूत बताया है क्योंकि क्रोध में होने पर आप दूसरों को भी परेशान करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करते हैं, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध पाप का मूल होता है। क्रोध से ही सारी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध जी ने हमें क्रोध के टाइम पर अछूत बोला है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहे और आप उससे प्रेरणा लेकर अच्छे विचारों के साथ सीखते रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।